हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी लोगों के साथ ढाबा स्टाइल आलू और प्याज के पराठों की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, आप कहेंगे कि मैं आलू के पराठे को आसान रेसिपी कह रही हूँ, लेकिन आलू के पराठे बनाने इतने आसान कहाँ होते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, इस वीडियो में जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप उनको फॉलो करके आलू के पराठे बनाएंगे तो आपको रोटी बनाने से भी ज़्यादा आसान आपको आलू के पराठे बनाने लगेंगे। इन्हें मैंने ढाबा स्टाइल इसलिए कहा है क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि ढाबे में काफ़ी बड़े और गोल पराठे मिलते हैं खाने के लिए। तो अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके पराठे बनाएंगे जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, तो आप जब आलू के पराठे बनाएंगे तो आपका मन करेगा कि बस इन्हें बेलते ही जाएं और आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। सारे ही पराठे आपके फूले फूले बनकर तैयार होंगे, ये मेरी गारंटी है अगर आप सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके इन्हें बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं सारे ही टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो आइए जानते हैं एकदम फूले फूले ढाबा स्टाइल पराठे बनाने के तरीके। यहाँ पे मैंने 1/2 kg के आसपास आलू लिए हैं जिन्हें आप 4 से 5 लोगों के लिए आराम से बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 ग्लास पानी ऐड किया है। हमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस इतना ही ऐड करना है जिससे कि ये आलू 2 से 3 सीटी में अच्छी तरह से पक जाएं और ये जले भी नहीं। तो यहाँ पर हम आलूओं को लो फ्लेम पे 3 सीटी आने के लिए रख देंगे, साथ में हम अपनी और तैयारी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 कप आटा ले लिया है, इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। आटे को अच्छी तरह छानने के बाद इसमें ऐड करना है 2 चम्मच ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें ऐड करेंगे 1/4 teaspoon के आसपास नमक या स्वाद के अनुसार नमक, जिससे कि पराठे खाते समय फीके नहीं लगते हैं। तो पहले हम इन दोनों चीज़ों को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल और नमक को आटे में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। आलू के पराठे बनाने के लिए हमें सॉफ्ट डो की ही आवश्यकता होती है, या तो जो आटा होता है वो हम स्टफिंग के अकॉर्डिंग लगाते हैं। स्टफिंग जितनी टाइट और ढीली बनकर तैयार होती है उसी के हिसाब से हमें आटा लगाना होता है, जिससे कि हमारे आलू के पराठे फटते नहीं है। लेकिन जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी, आपका जो स्टफिंग है वो बिल्कुल ही करेक्ट बनकर तैयार होगा, बिल्कुल भी ढीला बनकर तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो यहाँ पर लगाकर तैयार कर लूंगी। उसके बाद जब आटा अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और इसको स्मूथ करके ढककर छोड़ देंगे सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा एक घंटा कितना भी इसे छोड़ सकते हैं। तो जब तक का हमारा आटा सेट हो रहा है और जब तक का हमने आटा गूंथ कर तैयार किया, तब तक का जो हमारे आलू थे वो भी पक कर तैयार हो चुके हैं। अभी जो प्रेशर कुकर है इसमें प्रेशर हल्का सा है, जब इसका प्रेशर पूरा अच्छी तरह से रिलीज हो जाए तो आप तुरंत ही इन आलू में से जो पानी है वो आप डिस्कार्ड कर दें, मीन्स निथाल लें, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर ये आलू पानी में रहेंगे, जितनी देर ये पानी में रहेंगे उतना ही ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और स्टफिंग बनाते समय जो हमारी स्टफिंग है वो लूज बनेगी और आलू के पराठे बेलने वक्त फट जाएंगे, बिल्कुल भी हम बना नहीं पाएंगे। तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि जैसे ही प्रेशर रिलीज हो जाए वैसे ही आपको इन्हें पानी से निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने आलुओं से पानी को निथाल लिया है और ये अभी काफ़ी गर्म है। जब ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद हम इन्हें छील लेंगे। तो मैंने इन्हें एक चौड़े बर्तन में फैला के रख दिया है जिससे कि ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो जब तक का हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं हम अपनी और तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं और इन्हें चॉपर की हेल्प से मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इन्हें नाइफ की हेल्प से भी बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं, लेकिन जितना बारीक हो सके आप उतना बारीक इन्हें काटने की कोशिश करें जिससे कि पराठे बेलते समय फटेंगे नहीं।
यहाँ पे मैंने थोड़े से ज़्यादा धनिया ले लिया है और स्वाद के अनुसार हरी मिर्च ले ली है। धनिया को मैंने अभी धोया है इसलिए मैं इसे टॉवल से अच्छी तरह से सुखा लूँगी। तो आप जो भी सामान लें आलू के पराठे बनाने के लिए तो ध्यान रखें कि उसमें पानी की मात्रा नहीं है। जितनी कम पानी की मात्रा होगी उतनी ही जो स्टफिंग है हमारी अच्छी बनकर तैयार होगी। तो अगर आपके भी धनिया और मिर्ची गीली हैं तो पहले आप उन्हें सुखा लें, उसके बाद ही आप इन्हें कट करें। तो दोस्तों इनको भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आलूओं को मैंने पील कर लिया है हल्के से ठंडे होने के बाद, लेकिन आलू अभी भी हमारे गर्म है। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए हमें एकदम ठंडे आलू की आवश्यकता होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक चौड़ा बर्तन ले लें। मैंने यहाँ पर एक परात ली है जो सभी के घर में होती है। तो इन आलूओं को हम हल्का हल्का कट करके इस परात में फैला लेंगे और इन्हें पंखे के नीचे रख लेंगे। अगर आपके पास कम समय है तो ये बहुत ही जल्दी ठंडे होकर तैयार हो जाएंगे। ध्यान रहे कि ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होने चाहिए। आप इसमें मसाले तो ऐड कर सकते हैं लेकिन नमक ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर गरम गरम आलू में हम नमक ऐड करेंगे तो जो आलू की स्टफिंग है वो लूज हो जाएगी और हमारे आलू के पराठे बन नहीं पाएंगे। तो इन्हें मैंने फैला लिया है और अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। तो दोस्तों जब हमारे आलू अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद हम मैसर की हेल्प से इन्हें बारीक बारीक मैश कर लेंगे। अगर आप इन्हें हाथों की मदद से मैश कर रहे हैं तो आप इन्हें बिल्कुल ताकत लगा के मैश ना करें, बिल्कुल ही हल्के हाथों से मैश करें, क्योंकि जो हमारे हाथ की हीट होती है वो आलू के कॉन्टेक्ट में आती है तो भी जो हमारी स्टफिंग होती है वो लूज बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों अगर आपके पास मैसर है तो आप मैसर की हेल्प से इन्हें मैश कर सकते हैं, और अगर आप हाथ से इन्हें मैश कर रहे हैं तो बहुत ही हल्के हाथों से इन्हें मैश करें। बिल्कुल भी जोर ना लगाएं, बिल्कुल भी ताकत ना लगाएं, बिल्कुल भी मसले नहीं इन्हें हाथों से। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप कोशिश करिएगा कि इसमें कोई भी बड़ी बड़ी गुठलियां ना रहे आलूओं की। अगर कोई बड़ी गांठें या गुठलियां रह जाएंगी तो जो हमारे आलू के पराठे हैं वो फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसाले हमें इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं क्योंकि हम आलू और प्याज के पराठे बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इनमें आलू और प्याज का ही एक अच्छा सा टेस्ट आए, मसालों का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना आए। लेकिन अगर आप चटपटे या मसालेदार पराठे खाना पसंद करते हैं तो आप मसालों का ज़्यादा यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े ही मसालों का यूज किया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप तीखी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च कलर भी अच्छा देती है और इसमें तीखा भी कम होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसका यूज किया है। साथ ही मैं ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन पराठों और पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट लाते हैं और साथ ही में डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद जो हमने धनिया और हरी मिर्च कट करके ली थी उनको भी हम ऐड कर लेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप पहले स्टफिंग तैयार कर ले, उसके बाद आप मिर्ची का इस्तेमाल करें। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है 3/4 टीस्पून अमचूर पाउडर। इससे पराठों में काफ़ी अच्छा खट्टा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर जो हमने बारीक प्याज कट करके लिया था उसको भी इसमें ऐड कर लिया है। दोस्तों साथ ही में यहाँ पर मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का भी यूज कर रही हूँ जो कि है भरवा मिर्ची का अचार। इस अचार को पराठों में ऐड करने से जो टेस्ट आता है ना दोस्तों, एक बार आप जरूर ऐड करके इन्हें बनाएं। अगर आपके पास ये मिर्ची का अचार है तो आप जरूर से इसे ऐड करें और आप टेस्ट में अंतर खुद जान पाएंगे। तो इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम हाथों से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल ही हल्के हल्के हाथों से हमें इन्हें मिक्स करना है, बिल्कुल भी इन्हें मसलना नहीं है। अगर हम मसल मसल कर मिक्स करेंगे तो स्टफिंग हमारी लूज हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने अभी नमक ऐड नहीं करा है, नमक हम लास्ट में ऐड करेंगे जब हम पराठे बनाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं सभी चीज़ों को किस तरह से मिक्स कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह से मिक्स करना है। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करके बनाते हैं ना आपके पराठे तो बिल्कुल भी फेल नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और एकदम फूले फूले बनकर तैयार होंगे और घर वाले आपकी तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं।
तो दोस्तों यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर एक टिप्स आपके लिए और है, यहाँ पर जितने पराठे मुझे अभी बनाने हैं उतने की स्टफिंग मैं अलग कर लूंगी और जितने की मुझे नहीं बनानी है उसे मैं अलग कर लूंगी। आप चाहे तो इस तरह से स्टफिंग बनाकर रख सकते हैं और आपके घर में बच्चे हैं तो आप फटाफट से इस स्टफिंग का यूज कर पराठे बना सकते हैं। 2 मिनट से भी बहुत कम समय में आपके पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितनी स्टफिंग का मैंने पराठे बनाने हैं उसमें मैंने नमक ऐड कर लिया है। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून के आसपास काला नमक ऐड कर रही हूँ और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। काला नमक डाइजेशन में भी हेल्प करता है, साथ ही में टेस्ट को भी बढ़ाता है। तो नमक को भी हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हमें हल्के हाथों से ही इन्हें मिक्स करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलते हैं अब पराठे बनाने की तरफ। तो जो हमारा आटा था वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। उसके बाद हम अपने हाथों को सूखे आटे में डस्ट करके आटे की एक लोई ले लेंगे। जितनी हम रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं उतनी ही हमें लोई लेनी है। आटे की लोई को हम हाथों में लेकर स्मूथ कर लेंगे और उसके बाद हल्का सा आटे में इसे सूखे आटे में डस्ट करने के बाद हाथों से फैलाकर एक पोटली का शेप बना लेंगे इस तरह से। तो हम इसे अपने हाथों की उंगलियों से प्रेस करके फैला लेंगे। कोशिश करेगा कि आप सेंटर जितना पतला रख रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पतला आप इसके कॉर्नर रखें, लेकिन सेंटर भी ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब आप आलू के पराठे खाएंगे तो आपको आटा ही आटा मुंह पे लगेगा। तो आप इवनली इसको स्प्रेड करके एक पोटली का शेप बना लीजिए। उसके बाद जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसको हम ज़्यादा ज़्यादा लेकर इसमें भर लेंगे, या जब ज़्यादा ज़्यादा भरेंगे तभी तो आलू के पराठे खाने का मज़ा आएगा ना। तो अगर आप इस तरह से स्टफिंग बनाएंगे तो ना आपकी स्टफिंग बिल्कुल भी लूज नहीं बनेंगी और आप आसानी से इसे हैंडल कर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि जो आलू है उसको ज़्यादा ज़्यादा भरे। अगर आटे का ही स्वाद मुँह पे आएगा तो वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, तो फिर वो आलू के पराठे थोड़े ना हुए। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छी तरह से स्टफ कर लिया है और इस तरह से आप देख सकते हैं मैं किस तरह से हाथों से इसे प्रेस कर करके सील कर लूंगी। अच्छी तरह से सील कर लेंगे जिससे कि जो स्टफिंग है वो बाहर ना आने पाए, और सील करने के बाद जो क्रीज आ जाती हैं उन्हें आप स्मूथ कर लें जिससे कि वो बनने के बाद दिखे नहीं पराठों में। अगर वो क्रीज पराठों में दिखती है तो फिर वो पराठे दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक स्मूथ पेड़ी बना ली है और जो आपको ये आलू दिख रहा है वो जो मेरे हाथों पर लगे हुए थी हल्की सी आलू वो है, बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आई है। तो आप चाहें तो इस तरह से पेड़ियाँ बनाकर रख सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं, और नहीं तो आप हाथों हाथ पेड़िया बनाएं और गर्मा गर्म सेकें और गर्मा गर्म इंजॉय करें। तो यहाँ पर मैं हल्का सा आटा डस्ट करके इसे पहले हाथों की मदद से फैला लूंगी जिससे भी जो स्टफिंग है वो चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाएगी। उसके बाद हम बेलन की मदद से हल्के हाथों से इसे फैला लेंगे। जितना भी आपको छोटा या बड़ा इसे रखना है आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान होते हैं बेलने में अगर आप इस तरह से बनाएंगे, तो जब आप बनाएंगे आप खुद ही जान जाएंगे। इस तरह बेलते हुए जब हल्के हल्के आलू और प्याज पराठे से बाहर झांकते हैं ना तो वो जब सेकते वक्त काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। बस आपके पराठे फटने नहीं चाहिए और आपके पराठे बेलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप इसकी जो थिकनेस है वो कुछ इस तरह की रखेगा। तो यहाँ पर एक पराठा मैंने बेलकर तैयार कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने तवे को गर्म करने के लिए रख लिया था। तवे को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, उसके बाद जो फ्लेम है उसको हम मीडियम कर लेंगे। तो पराठों को आप हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही सेकें, ये बहुत ही अच्छे सेक कर तैयार होते हैं। अगर बीच बीच में आपको फ्लेम कम और ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़े तो आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पराठा हमने बनाकर तैयार किया था उसको मैंने तवे में डाल दिया है। जब ये एक साइड से अच्छी तरह से सिक जाए आप चेक कर लीजिए, उसके बाद हम इसको पलट लेंगे अच्छे से केयरफुली, और इस साइड पे हम ऑयल स्प्रेड कर लेंगे। आप घी बटर ऑयल जो भी पसंद करते हैं आप अपनी पसंद से इसमें लगा सकते हैं। अच्छी मात्रा में ही आप इसे लगाएं, तभी जो पराठे खाने का मजा है तभी आता है। अगर हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे तो वो बात नहीं आएगी। तो अच्छी तरह से आप ऑयल को स्प्रेड करें और दोनों ही तरफ से आप अच्छी तरह से ऑयल बटर या घी जो भी आप पसंद करते हैं उसे लगा लें। तो आप देख सकते हैं एकदम फूला फूला पराठा बनकर तैयार हुआ है।
मीडियम फ्लेम पे। तो आप इन्हें इस तरह से दबा दबा कर अच्छे से भूरे चकत्ते आने तक का आप इसे सेक ले। इस तरह से बने पराठे खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और दिखने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। जब ये पराठे सिकते हैं, इनकी खुशबू जो आती है ना आलू और पराठे के सिकने की, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। अगर बेलते समय आपके हल्के से आलू या प्याज बाहर झागते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं कि मतलब ये इतने नहीं कि आपको बेलने में दिक्कत हो, बस ये कि हल्के हल्के अगर बाहर झाग रहे हैं, उसके बाद जब आप इसे तवे पे सेकते हैं तो जो खुशबू आती है और जो टेस्ट आता है वो बहुत ही लाजवाब आता है। बेफिक्र होकर आप इन पराठों को बनाइए, एकदम आपके फूले फूले पराठे बनकर तैयार होंगे। सारे ही पराठे आपके फूले फूले बनकर तैयार होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आप अपने सारे पराठों को सेक लें और गर्मा गर्म इन्हें इंजॉय करें। केचप, दही, चाय, चटनी, किसी के साथ भी आप इसे इंजॉय करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे ढाबे स्टाइल आलू और प्याज के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये लग रहे हैं ना एकदम ढाबे स्टाइल आलू और प्याज के पराठे। तो दोस्तों, अगर आपको आलू के पराठे बनाने मुश्किल लगते हैं तो एक बार इस तरह से आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपके पराठे कैसे बने। अगर रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो आप इसे एक लाइक कर सकते हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए यम्मी घर सा खाना फॉर इजी एंड क्विक रेसिपी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।